बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं ब्रेन मसाला, मगज़ जिसको कहते हैं। तो मेरे तो काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, लेकिन मतलब ये कि मुझे मिल नहीं रहा था। तो अभी हमने शुरू करें, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मगज़ को उबालेंगे। तो उबालने के लिए जो है ना, मतलब ये इतना पानी इसमें डाल देंगे ताकि ये इसमें डूब जाए। अच्छा, उबालने के लिए जब हम रखें, इसके साथ हम सिर्फ थोड़ी सी उसमें एक चुटकी बराबर हल्दी डाल देंगे और इसको अभी उबालने देंगे जब तक ये उबले। हम बाकी चीज़ें देखें। अच्छा देखें, ये पानी उबलने लगा है, लेकिन स्टिल जो है ना, अभी हमने इसको फर्दर भी पकाना है। ये एक उबाल आया है, फर्दर भी हमने इसको पकाना है ताकि इसे हम सफाई भी कर सकें और अच्छी तरह से अंदर से पक भी सके। हमने दोबारा इस पर सर रख दिया। ये हमने अभी अच्छी तरीके से उबाल लिया है और बिल्कुल अंदर से भी वो पक गया है। अभी हमने इसकी सफाई करनी है। उसकी जो ऊपर से ये हल्की सी झिली होती है, इसको साफ़ करना है, हटाना है इससे। और इसके अलावा बाकी जो इसमें अगर मतलब नसें वगैरह इस तरह कोई नज़र आ रही है, बाकी गंद है, तो मतलब ये कि वो हमने इसे साफ़ करना है। ये देखें, ये हल्की सी झिली है, ये उबालने के बाद बहुत आसानी से इससे साफ़ हो जाती है। अभी देखें, हमने ये जो है ना, मतलब जो मगज़ है जो उबला हुआ था, ये हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। अभी हम इसको साइड पे रख लेंगे और हम इसके लिए जो ग्रेवी है वो तैयार। ग्रेवी के लिए हमने जो है ना, जो फ्राइंग पैन है या कढ़ाई है, उसमें हमने तेल गर्म करना है। उसमें गर्म होने पे जो है ना, उसमें हमने कटा हुआ प्याज जो है ना, उसमें डाल के फ्राई करना है। प्याज को हमने बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना। जब वो हल्का फ्राई हो जाए, उसमें हमने ये लहसुन डालना है कटा हुआ, और इसको भी साथ में मिक्स करके फ्राई करना है। जब ये लहसुन की जो है ना खुशबू आने लग जाए, उसमें हमने फर्दर फिर जो है जो कटा हुआ टमाटर हमने रखा था, वो हमने टमाटर इसमें ऐड करना है। इसके बाद हम इसमें जो है जो खुश धनिया है वो डाल लेंगे इसके साथ। अच्छा, इसमें हमने आज जो एक नई चीज़ है वो है पिंक साल्ट। तो इसको हम आज बना रहे हैं पिंक साल्ट में, जो कि पाकिस्तान की एक जो है ना नायाब प्रोडक्ट है, जो कि अभी तक हमारा इजीली नहीं मिल रहा था, अभी हमें मिल रहा है। तो ये डालेंगे, साथ में जो है ना हमें क्रश काली मिर्च है वो डालेंगे। अच्छा, चूँकि हरी मिर्च जो हमें मिली है वो इतनी मतलब तेज़ नहीं है, तो इसकी वजह से जायके के लिए हम अपना हस्बे जायका थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे जायके के लिए। और उसको भी इसी तरह से जो हमने टमाटर ये फ्राई कर रहे हैं, जो ग्रेवी है उसमें जो है ना, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे ताकि उससे वो कच्चापन मसाले का जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा देखें, अब ये टमाटर हमारे जो है ना अच्छी तरह गल चुके हैं और इसमें जो पानी भी है अननेसेसरी वो भी सारा खुश्क हो गया है। अभी हमने इसमें डालने हैं अपना ये जो उबला हुआ मगज़ है, ये हमने इसमें ऐड करना है जी। और इसको हमने थोड़ा सा इस तरह तोड़ना है, जिस तरह अंडे को आपने तोड़ना है इस तरह, और इसमें मिक्स करना है। इसके साथ हमने ये जो हरी मिर्च काटी थी जायके के लिए और ज़रा अच्छे लुक देने के लिए भी ये डाल लेंगे, और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा, और इसको हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। पाँच से सात मिनट तक अभी इसको हमने फर्दर मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। ये हम थोड़ा इसको फर्दर मिक्स कर लेंगे। बाज़ार में जो आपको जो सुर्ख या रंग वाला, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो या वो क्या कहते हैं टमाटो पेस्ट शामिल कर लेते हैं, दूसरा उसमें जो है जो लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं वो रंग वाली इस्तेमाल करते हैं। हम चूँकि बिल्कुल प्योर इस्तेमाल करते हैं बग़ैर रंग के, तो उसमें थोड़ा सा रंग इसका हल्का होता है लेकिन जायका ज़बरदस्त होता है। ये आखिर में हम इसमें ये अदरक भी शामिल कर देते हैं जो हमने काटा था। और इसको भी हमने, ये मगज़ ऑलमोस्ट तैयार है। अभी देखते हैं कि इसका चस्का कैसा है। आग हमने कर दी बंद, थोड़ा सा हमने ये देखें मगज़ तो माशाल्लाह देखने में तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो अभी देखते हैं कि खाने में कैसा है। बिस्मिल्लाह ला बरकतिल्लाह। आला, मुझे ऐसी पता नहीं था कि मगज़ जो है इतनी आसानी से बनता है। इसमें मेरा ख्याल पकाने में जो सबसे मुश्किल मरहला है वो इस मगज़ को साफ़ करना है। जब आप उबालते हैं उसके बाद साफ़ करना है, वो मुश्किल मरहला है। बाकी बहुत ही आसान है और खाने में बहुत लजीज है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर अभी सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।